What's up guys? आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अनोखा है। तो आप गेस कर पा रहे हो कि मेरे पीछे खड़ी है ये महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस ट्रेन है। पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 7 के अंदर भी आती है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस ट्रेन में अंदर क्या होता है, इसके डिटेल्स देने वाले हैं। Come, let me take you inside. भाई साहब, this is magical, this is crazy. I am speechless right now. जो ट्रेन है इसके चार रूट्स हैं, तो तीन रूट शुरू होते हैं यहाँ दिल्ली से और एक रूट शुरू होता है आगे मुंबई से। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है इस ट्रेन का एक काफी आलीशान रेस्टोरेंट जिसका नाम है मयूर महल। तो ये रेस्टोरेंट जो है बेसिकली ये एक पीकॉक थीम के ऊपर बेस्ड है। ओके, सो यू सी अ लॉट ऑफ ग्रीन कर्टेन्स, इस पे पीकॉक के फेदर्स बने हुए हैं। ऊपर का आप टेरेस देखिए कैसा लाइटिंग है, एकदम ग्रीन कलर का है। द डेकोर दैट्स देयर इनसाइड दिस प्लेस, दिस टेबल एंड द चेयर्स, एवरीथिंग इट्स लाइक ऑल ग्रीन। यहाँ पे साइड में ये पीकॉक है और ये उसका लैम्प है। सो इस ट्रेन में बेसिकली दो रेस्टोरेंट्स हैं, वन ये वाला एंड एक रंग महल है जो कि द पैलेस ऑफ कलर्स के थीम के ऊपर बेस है। सामने भी आपको दिख रहा होगा पीकॉक्स लगे हुए एंड इट जस्ट लुक्स सो प्रिटी, राइट। अब चलते हैं आगे, अगला कोच है किचन का, तो किचन में देखते हैं क्या चल रहा है। आओ, ये ट्रेन जिन भी स्टेशन पे रुकती है वहाँ पे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स चढ़ाए जाते हैं ताकि गेस्ट को उस जगह का लोकल क्विजीन बना के सर्व किया जा सके। हेलो, इस ट्रेन में जो शेफ्स खाना बनाते हैं दे आर सम ऑफ द फाइनेस्ट इन देयर फील्ड। अंदर पूरा किचन का काम हो रहा है, पूरी किचन है एंड ये बहुत छोटी सी एक एली है जिसमें से हम जा पा रहे हैं और आगे जा रहे हैं काम। तो इस जूनियर सूट में है एक टेबल चेयर काम करने के लिए, दो ट्विन बेड्स एंड ऑब्वियसली एक काफी लाविश बाथरूम सभी एमिनिटीज के साथ। तो अगला रेस्टोरेंट आ गया है विच इज रंग महल, तो आइए ये दिखाते हैं, बहुत कलरफुल है। काम, दोनों रेस्टोरेंट्स का मेन्यू एकदम सेम है, खाली थीम डिफरेंट है। गुड मॉर्निंग, दिस इज रंग महल, बेसिकली दूसरा रेस्टोरेंट है एंड इसका थीम है द पैलेस ऑफ कलर्स। तो इसका आप एक बार सीलिंग देखिए, ये फ्रेस्को पेंटिंग है जो कि वाटर बेस्ड पिगमेंट्स के कलर से करी जाती है। दोनों ही रेस्टोरेंट्स में एक बार में 42 लोग बैठ सकते हैं एंड आप मेन्यू में से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा, इसका सबसे सस्ता टिकट जो है वो 3,90,000 रुपए का है और जो सबसे महंगी टिकट है प्रेसिडेंशियल सूट का वो 19,90,000 का है। सोचे भी लगता है कि भाई इतना पैसा क्यों ही देंगे कोई इस ट्रैवल के लिए। ऑनेस्टली सच बताऊं तो अभी इतनी औकात तो नहीं हुई है कि इसकी टिकट खरीदें और इसमें सफर कर पाए, बट द थिंग इज इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, इट्स ऑल अबाउट द बिलीव दैट वन लाइफ इज ऑल यू हैव। कम, लेट्स शो यू मोर। और दोस्तों अब दिखाने जा रहा हूं मैं आपको इस ट्रेन का सबसे स्पेशियस और सबसे महंगा कैबिन, द प्रेसिडेंशियल सूट नवरत्न। खुल गया, ओ माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल। इसके लिविंग रूम में काउचेस हैं, चेयर टेबल है, स्टडी टेबल है एंड साथ में है दो बेडरूम। ये है फर्स्ट मास्टर बेडरूम जिसमें है दो बड़ी बड़ी विंडोज और एक अटैच्ड बाथरूम। दोस्तों जितना बड़ा एक ट्रेन का कोच होता है उस पूरे कोच का प्रेसिडेंशियल सूट बना के रखे हैं ये लोग। एंड सिमिलरली सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे एक और बेडरूम है। वी फाउंड सम गेस्ट ऑन बोर्ड, सो वी हैव डेविड ओवर हियर एंड वी हैव सुजान मैम ओवर देयर। Would you tell us where you're from? We are from Switzerland. How long have you been here in the country? 24 hours. Oh, 24 hours. Okay. So are you here just for the train or are you going to travel more? We are going to travel more after that. It's going to be Cochin, backwaters, and then we'll see the rest. Lovely. And sir, did you already know about the train or like how do you come to book this train for your journey? We knew about that. We felt, I think, in love about the idea of traveling on these. Right, right. Yeah. So are you excited for the journey now? Definitely. Looking forward. Are you excited now for the journey? Very much so, very much Lovely. So. It's the highlight of our free holidays. And I wish you all the very best and I have a happy and a safe journey. Thank you. Thank you. Next up, ये एक ऐसा रूम है, ऐसा कोच है जहाँ पे आप गेम्स खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हो, कैरम खेल सकते हो, बहुत सारे गेम्स है बिकॉज ये जर्नी जो है बेसिकली काफी लंबी होती है, 6 दिन 7 दिन। ऐसे में बंदों का बोर होना इज वेरी नेचुरल, राइट। इधर बुक्स भी है, पूरा नॉवल्स है, तो आपको कोई भी अगर एक्टिविटी करनी हो, चाहे वो बुक्स पढ़नी हो, मैगजीन्स पढ़नी हो, गेम्स खेलनी हो, आप कुछ भी यहाँ पे आ सकते हैं। सेकेंडली इस कोच में आधा हिस्सा ही एक्टिविटीज का, बट द सेकेंड हाफ इज द बार। तो कम, लेट मी शो यू द बार नाउ। हाय, सो दिस इज
the bar area. You can have your drinks from here. You can have a seat over here, read the magazines, and just enjoy your drinks. And that's there for the entire journey. Hi, is there any good memories, one good story that you could share with us? Yeah, we have lots of stories about the guests. Acha. They see the, you know, the Indian crowds in the traveling in the train, and they see over here the luxury. Oh, expected nahi hota unka. Mostly sabhi guests ka yehi hota ki wow. So Anil sir, aap kitne time se yahan pe kaam kar rahe hain isme train mein? Around 3 years. Thank you so much Anil sir. Pleasure. Nice to meet you. He's absolutely loving his job. Agar aapki aise job ho, would you love it? Tell us in the comments below. Is train mein almost 22 कोचेस हैं एंड इसमें एक बार में 88 गेस्ट अकोमोडेट हो सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। एक और चीज, इस ट्रेन में चार टाइप के केबिन्स हैं। फर्स्ट वन इज डीलक्स केबिन, उसके बाद आता है जूनियर सूट, उसके बाद सूट एंड फाइनली प्रेसिडेंशियल सूट। सर आपका नाम एंड कितना टाइम हो गया आपको? माय सेल्फ दीपक, आई एम वर्किंग लास्ट 3 इयर्स, आई एम वर्किंग एज अ बारटेंडर हियर। ऑसम, परफेक्ट। एंड या सो दैट वाज द स्टाफ ऑफ द ट्रेन एंड अभी हमारा टाइम ऑलमोस्ट अंदर खत्म हो गया, अब ट्रेन जाने वाले तो हम भी चलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड जर्नी। तो यार ये तो ट्रेन सच में अपने नाम की तरह जो है वो महाराजा की तरह। मैं तो कहती हूँ बंदा अगर ट्रेन का सफर करे कहीं, जैसे कि आउटिंग के लिए जाए, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ट्रेन में ही सफर करे, ट्रेन से घूम के वापस उसी जगह पे उतरे, ना जबरदस्त व्यू, ना अच्छा अंदर का सारा जो था वो समझ नहीं आती कि क्या क्या चीज देखू, ये देखू। अच्छा वैसे ये ट्रेन अपने नाम की तरह जो इसके अंदर जितनी भी चीजें थी, जो इंटीरियर डिजाइनिंग हुई हुई थी, और इसके अलावा जैसे इन्होंने दो रेस्टोरेंट दिखाए, बार दिखाया और रूम दिखाए, वो सारा टोटली ना उसी डिजाइन्स के ऊपर बना हुआ था जैसे महाराजाओं के जमाने में हुआ करता होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही इंटीरियर डिजाइनिंग और सब कुछ, और वो कर्टन्स वगैरह और टेबल फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो उसी टाइप का था। बाकी यहाँ पे ना मैं वीडियो में और कुछ बात करने से पहले ना आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। वो लोग जरूर कमेंट करके मेंशन करना कि यार वी आर फाइन विद द जनरल ट्रेन्स, या लोकल जो नॉर्मल ट्रेन्स होती हैं हम उसमें बहुत ज्यादा खुश हैं। तो यार एक चीज पहले मैं ये सोच रहा था कि यार बंदा इंडिया में जाता है ना तो ये चीजें जो है, तो आप महाराजा में ज़रूर सफ़र करें, पर मैं आपको नहीं सजेस्ट कर सकता ये बिकॉज ऑफ बजट, क्योंकि हो सकता है कि आपका बजट आपको अलो ना करे कि आप इतनी महंगी, और ये आई थिंक दुनिया की मे बी महंगी तरीन जो है ट्रेन होगी। तो इसके अलावा भी हैं इंडिया में कोई ट्रेन्स ऐसी, लेकिन हमने जो कल हेरिटेज ट्रेन देखी थी वो आई थिंक के उसमें आम लोग जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं, उसकी टिकट इतनी चीप नहीं थी, क्योंकि इसमें आप जब बैठते हैं तो आपको एक फीलिंग जो है वो जैसे वो महाराजा रहा करते थे, तो वही माहौल वही सारा। और इसमें आप अच्छा ये इन्होंने नहीं बताया कि ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, मतलब आई थिंक 5-6 दिन का ट्रैवल तो होगा इसमें, जितना इसका रूट होगा, इतनी टिकट है तो 5-6 वीक का होगा। 5-6 दिन भी इस ट्रेन में कम होंगे, 5-6 दिन आप फील ही नहीं होगा आपको, आप बाहर आप बैठे हुए हैं अपने रूम में, जैसे अभी हम रूम में बैठे हैं, आप उधर बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलते हैं तो नजारा चेंज है, आप विंडो में है देखते हैं नजारा चेंज है, थोड़ी देर बाद बाहर जाते हैं तो नजारा चेंज है। और आपको पूरे इंडिया का आई थिंक ये टूर करवाती होगी, इस बारे में उन्होंने गाइड नहीं किया, लेकिन मे भी ऐसा ही होगा। बाकी ये है कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लग्जूरियस ऐसी ट्रेन है, आई हैव नेवर सीन बिफोर दिस के ऐसी। मैंने वीडियो खत्म, भाई साहब क्या कमाल रहा यार, सच में जितना मुझे लग रहा है भाई इसका पैकेज है 7 दिन और 4 दिन के, या सारे ये दिन, मतलब या तो 20-25 यार किसी को अगर पता है तो प्लीज कमेंट। नहीं उन्होंने शुरू में बताया ना 7 दिन वो शायद वो सारे दिन मिला के 18, 14, 28 दिन बनते हैं, 25 दिन फिर यार जहर बात है, ये मुख्तलिफ जगहों पे जाती है ना ट्रेन, ये मुख्तलिफ जगहों पे लेकर जाती है, 20 लाख कम पैसे तो नहीं है ना, सबसे कम 4 लाख का उनको, मतलब उस तरह की लग्जरी जाहिर बात नहीं मिलेगी, अब जितना गुड़ उतना मीठा। हाँ तो मतलब वो लग्जरी, वो जो आप पैसों की बात कर रहे हो स्टे का शायद नहीं है, या तो वो उसका है कि लग्जरी आपको, ये सब कुछ जो है ना इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ, ये शायद जो मैं ये समझ रहा हूँ, इसमें आप लोगों को खाना पीना तो सारा है ही है, आपको जो टूरिस्ट प्लेसेस जितनी है वो भी घुमाएंगे। भाई साहब भाई कमाल यार, बहुत बहुत लग्जरी थी, लग्जरियस ट्रेन थी, मुझे
मतलब मैं ट्रेन की बात बाद में करूंगा, जो सबसे ज्यादा मुझे मतलब जो शॉकिंग चीज लगी ना, मुझे इतना पता था कि ट्रेन की जो टिकट प्राइस है वो एक्सपेंसिव है, बट इतनी ज्यादा मतलब प्रेसिडेंशियल सूट के लिए आपको 19 लाख रुपीज देने पड़ेंगे, वो भी INR में, इंडियन रुपीज में। पाकिस्तानी में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये कम अज कम कुछ 40-45 लाख तो बनेंगे, ठीक है, अबव भी बन सकते हैं मेरे ख्याल से, इतने ही बनेंगे। और दूसरी टिकट मुझे सॉरी उसकी वो प्राइस भूल गई कितनी थी, सो ज्यादा वाली बंदे को याद होती है तो इसलिए मुझे ज्यादा वाली याद है। बाकी ट्रेन की बात करूं तो यार बहुत ही जबरदस्त, मतलब इतना ज्यादा कम्फर्ट दिया हुआ है, और आप मतलब गेम्स खेल सकते हैं और मतलब कहीं भी मतलब बैठ सकते हैं, अपना एंजॉय कर सकते हैं, और बड़ा जबरदस्त इंटीरियर जो था ना वो बहुत फैसिनेट कर रहा था, लग्जरी था, और फर्नीचर जो था और जो मतलब सफाई थी ना, जो क्लीन वहां का माहौल था वो बहुत ज्यादा साफ सुथरा था, मतलब प्लेट्स तक में से ना शाइन आ रही थी नजर के, मतलब जरा भी वो गंद। अब वही है, महाराजा वाली एक्सप्रेस है तो उन्होंने उस साफ सफाई तो रखनी है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उनकी। सो मुझे तो बहुत मजा आया ये वीडियो, जबरदस्त महाराजा वाली। उसने कहा कि अगर किसी ने फीलिंग लेनी है ना तो वो सफर कर ले, लेकिन जहाँ महाराजा ही कोई सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया है कि 3 लाख से वो टिकट शुरू हो रही है, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 3 लाख से शुरू हो रही है और 20 लाख तक जा रही है। नहीं देखिए, आप सेलिब्रिटीज वगैरह हैं, सेलिब्रिटीज का बहुत वो जो होता है ना कि जो उनका स्केड्यूल होता है वो इतना कट टू कट होता है कि उनको फ्लाइट्स ही लेनी पड़ती है, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो 3-4 दिन वो ट्रेन में लगा के वो दिल्ली से मुंबई जाए या मुंबई से वो कहीं जाए। तो ये तो बिल्कुल उनके लिए जो थोड़े से यानी कि ना अपनी एक तो ये एक किस्म का जो अगर कोई टूरिस्ट है ना बाहर से आया हुआ है, कोई जैसे वो गोरे बैठे हुए थे, फॉरेनर बैठे हुए थे, तो उनको अगर देखना है कि कैसी जो है वो रॉयल लाइफ कैसी होती है, तो जैसे वो बैठे भी हुए थे वो दो वो कोई अमीर लग रहे थे, उन्होंने खरीदी है कोई 5 लाख की टिकट, आराम से बैठे हुए थे। तो उन लोगों के लिए फिर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या प्रॉपर्टी टाइकॉन्स हैं, उनके अलावा और कौन बैठा होगा प्रॉपर्टी टाइकॉन्स के पास, उनका भी स्केड्यूल इतना कट टू कट होता है, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, फ्लाइट लो फॉरेन फ्लाइट। ये मुझे लगता है जो सफर के लिए इसको यूज नहीं करते होंगे, इसको यूज करते होंगे एंजॉय करने के लिए।